हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और वीडियो लेके आया हूँ एक ऐसे इकोनॉमिस्ट की जिनकी थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको जेएम कीन्स भी कहा जाता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जेएम कीन्स वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ऑफ द 20th century हुज आइडियाज हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली वो 20th century के काफ़ी मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जिनके आइडियाज़ काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी मशहूर रहे हैं और इनके थ्योरीज़ के बेस पे फर्दर थ्योरीज डेवलप हुई हैं। ठीक है, ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उनको वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि इनसे पहले जो क्लासिकल्स थे वो पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते थे और जो केन्स हैं वो जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते थे। हिज राइटिंग्स रिजल्टेड इन अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स नोन एज कीनीजियन इकोनॉमिक्स। उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी वो एक क्लासिकल स्कूल को हट के एक नया स्कूल ऑफ थॉट शुरू कर दिया था उन्होंने, जिसको कीनीजियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है या कीनीजियन स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। ही वॉज stimulated by the need to explain and then solve the high unemployment problems faced by the advanced capitalist countries in 1930s. तो उन्होंने बताया कि भाई एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं इसमें किस किस तरीके से जो है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हाई चला गया है और इसको किस किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को लो किया जा सकता है। हिज बेस्ट नोन वर्क इज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उनकी बुक थी पॉपुलरली नोन एज द जनरल थ्योरी। ठीक है, तो इनकी थ्योरी आने के बाद ही जो क्लासिकल्स हैं उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुई थी। इन हिज जनरल थ्योरी ही एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने बताया कि जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी मेन वजह क्या है। ही एडवोकेटेड फिजिकल एंड मॉनिटरी मेजर्स टू क्योर अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिजिकल एंड मॉनिटरी मेजर्स के थ्रू किस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को क्योर कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। ही आर्ग्यूड दैट फुल एम्प्लॉयमेंट कुड बी मेंटेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वर्क्स एंड डेफिसिट स्पेंडिंग। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने यह कहा था कि सरकार जो है उसकी इंटरफेरेंस इकॉनमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार को डेफिसिट बजट पे काम करना चाहिए, मतलब सरकार का खर्चा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और आमदनी कम होनी चाहिए। इस वजह से सरकार की इंटरफेरेंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके से मैं आपको डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज देता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।